हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, उसके क्या तरीके होते हैं, बैंक रेट्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग तरह के रेट्स होते हैं, बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सारे प्राइमरी लेंडिंग रेट यानी पीएलआर क्या होता है, ये सारे रेट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको आरबीआई एडजस्ट करता है और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के सारे तरीके, और इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब ये संस्थापित किए गए और कब ये संस्थाएं चालू हुई आरबीआई और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी बैंक हैं। आरबीआई भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय वो क्या क्या चीजें ध्यान रखता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा अपने वीडियो में। तो एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक ऐसा बैंक जो कि मात्र एक ऐसा बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसे बोलते हैं, और यह भारत का एक ऐसा बैंक है जो कि सिर्फ नोट यानी मुद्रा को छापने का कार्य करता है। मुद्रा छापने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो हमारे देश में अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी गई है, वो सिर्फ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है जो कि सिर्फ मुद्रा को छाप सकता है। अन्य कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि मुद्रा को छाप सके, यानी ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रलाइज बैंक होता है जो सिर्फ मुद्रा को छापने का कार्य करता है। यानी इसको प्रमाणित किया गया है इसके लिए कि यह जो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है भारत में कि मुद्रा कैसे कंट्रोल की जा सकती है, उसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें आरबीआई को करनी होती है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, आरबीआई का जन्म कब हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैदा कब हुआ, एस्टेब्लिश कब हुआ, तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। हम बात करते हैं 1934, 1 अप्रैल 1934 को इसके लिए एक्ट बनाया गया, आरबीआई को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एक्ट बनाया गया स्टूडेंट्स। ये एक्ट बनाया गया था 1 अप्रैल 1934 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935। इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आरबीआई को चलना है, चलाने के लिए जो एक्ट बना है वो 1 अप्रैल 1934 को बना है, और जब इसको एस्टेब्लिश किया है बैंक को, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1935 में स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एसबीआई का, जो इसकी एक सहायक बैंक है, इसकी बात करते हैं एसबीआई का, तो इसका जन्म 1955 में हुआ, एस्टेब्लिशमेंट 1955 हुआ। इस बैंक का एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक हुआ करता था स्टूडेंट, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1955 में, आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। 1969 में स्प्रेड्स नेशनलाइज किया गया बैंकों को, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज बैंक किए गए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होनी चाहिए बैंक्स के बारे में स्टूडेंट्स। मैंने आपके एक बारे में बताया, अब इसके रेट्स के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। आरबीआई के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बीओबी बड़ौदा बैंक, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं बताता हूं आपको कि कैसे कैसे रेट्स का कंटेंट रखा जाता है और रेट्स कैसे निकाले जाते हैं और रेट्स होते क्या क्या है। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं, यहां सबसे पहले बात करते हैं हम एमएसएफ की। एमएसएफ, उसके बाद आता है रेपो रेट, उसके बाद आता है रिवर्स रेपो, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स रिवर्स रेपो के बाद बात करते हैं हम बैंक रेट की, उसके बाद और स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम सीआरआर,
उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम एसएलआर। ये मैंने एक रेट लिस्ट लिखी है, इसमें सभी को हम समझेंगे। एक रेट और मैं जो बताना है आपको, बेस रेट स्टूडेंट्स, और एक होता है पीएलआर। इस सारे रेट्स में आपको बताऊंगा कि बैंक जब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई रेट्स पे काम करता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी के सारे कंटेंट होते हैं। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इनको कंट्रोल करने से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है स्टूडेंट्स, और इनके बेसिस पे ही मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होती है, यानी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे कैसे बैंक इनके बेसिस पर इनको एडजस्ट करके ही इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो इनकी वजह से ही हम सारी चीजों को निकालते हैं स्टूडेंट्स। रेट्स में बता देता हूँ, अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं वो आपको बता देता हूँ क्या चल रहे हैं। 4% स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रेपो रेट जो चल रहा है वो 4% है, 3.35%। बैंक रेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी 4.25 के आसपास चल रहा है अभी। और सीआरआर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सीआरआर भी एक बार देख लेंगे और ऐसा लाभ भी, ये 3% है और ये 18.5%। ये बदलते रहते हैं स्टूडेंट्स, इनका मतलब क्या है, ये कैसे अप्लाई करेंगे एक बार बताता हूं। अगर हम बात करते हैं एमएसएफ की, अगर बैंकों को आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है और एसबीआई को अगर पैसे की जरूरत है, तो अगर एसबीआई को पैसे की जरूरत है स्टूडेंट्स तो आरबीआई से पैसा उधार लेगा एसबीआई, और एसबीआई को जब जरूरत होगी पैसे की और जब एसबीआई पैसा उधार मांगेगा आरबीआई से, जब उसे रिक्वायरमेंट होगी तो उसे रेपो रेट पे पैसा मिलता है, जो कि मैंने यहां पर बताया आपको 4% पे पैसा उधार मिल जाएगा। अगर मान लो स्टूडेंट्स बीओबी को भी जरूरत होगी तो उसको भी कितने पर मिलेगा, 4% पर पैसा मिलेगा आरबीआई से। और जब ये पैसा इन्हें मिल जाएगा बैंक को, तो ये क्या करेंगे, कस्टमर को नहीं, जिसे क्या दे सकती हैं, ये लोन दे सकती हैं। कोई भी हो सकता है, आप, हम, पब्लिक, जनता, जनता हो सकती है। स्टूडेंट्स जो पैसा यहां से लिया गया है रेपो रेट के थ्रू, उस पैसे को जनता को लोन के रूप में, लोन के रूप में, रेट के रूप में दिया जा सकता है। और जिस रेट पर ये पैसा दिया जाएगा, ये रेट भी दो हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से होंगे। एक मैंने यहां पर बात की बेस रेट की, और एक बात की मैंने यहां पर पीएलआर की, प्राइमरी लैंडिंग रेट। ये जो प्राइमरी लैंडिंग रेट है वो हमेशा स्पेशल कस्टमर्स को दिया जाता है, स्पेशल कस्टमर्स। स्पेशल कस्टमर्स को दिया जाता है स्टूडेंट्स, और जो बेस रेट है वो कोई भी ऐसा अननोन व्यक्ति जो बैंक में या तो उसका खाता लोन लेने के लिए खोला गया है या उसी समय खोला जा रहा है, सिर्फ लोन लेने के लिए उसने अपना खाता खोला है, उसका कोई अमाउंट उसमें जमा है या नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन वो स्पेशल कस्टमर नहीं है, तो उसे बेस रेट पर लोन दिया जाए। तो दो रेट होंगे, एक तो पीएलआर होगा जिसकी बात मैं स्पेशल कस्टमर से डिनोट करता हूं स्टूडेंट्स, पीएलआर को स्पेशल कस्टमर्स को दिया जाता है, यानी प्राइमरी लैंडिंग रेट ये कम होता है। अगर मान लो स्पेशल कस्टमर को 8% पर दिया जाता है जो पैसा, वही पैसा अगर कोई बैंक आम जनता को, यानी किसी अननोन जो स्पेशल नहीं है जो सामान्य है, जन जो सामान्य
सामान्य कस्टमर को जो पैसा दिया वो बेस रेट पे दिया जाएगा, तो उसका परसेंटेज ज्यादा हुआ, मान लो 10% पे दे दिया उसने, यानी इस स्पेशल कस्टमर को 2% का डिस्काउंट मिल गया है क्योंकि वो स्पेशल कस्टमर है, यानी उसका कोई ना कोई अमाउंट बैंक में जमा है, बड़ी राशि जमा है और उसे बैंक को अच्छे रिलेशन उसके हैं बैंक के साथ। तो मैंने आपको बताया कि रेपो रेट पर जो पैसा आरबीआई से उधार लिया जाता है उस पैसे को बेस रेट पर या फिर प्राइमरी लैंडिंग रेट यानी पीएलआर पर जनता को उधार दे दिया जाता है। स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि बैंकों के पास लोन लेने के लिए कोई भी आम जनता नहीं आती, जब नहीं आती है या उनके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ होता है तो उस पैसे को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं। अब रखे रखे तो पैसा डबल होगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि अगर लोन लिया हुआ पैसा तो उस पैसा वापस, तो बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ होता है उसको कस्टमर लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, जनता लेने के लिए नहीं आ रही है लोन पर, तो बैंक क्या करता है SBI या PNB या BOB यानी बड़ौदा बैंक भी उन उस पैसे को RBI को वापस दे देता है, इस तरीके से वापस पैसा दे देता है, तो RBI उस पैसे को ले लेता है वापस। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक बात ये बताने वाली है कि रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट पर RBI इस पैसे को वापस ले लेगा, हमेशा रेपो रेट जितना भी होगा उससे कम ही होगा आपका रिवर्स रेपो, क्या होगा स्टूडेंट्स कम होगा, लेटेस्ट में 3.35% है रिवर्स रेपो, यानी जब बैंक है बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो रिवर्स रेपो के थ्रू RBI को जमा कर देती हैं और RBI उन्हें 1% या आधा परसेंट जितना भी है रेपो रेट से कम पैसे पर कम परसेंटेज पर उसे उधार ले लेता है, पैसा ले लिया। मैंने आपको रेपो रेट बता दिया स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो बता दिया, बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स और MSF की बात करते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर बैंकों को इंस्टेंट पैसा चाहिए, अति शीघ्र पैसा चाहिए, बहुत जल्दी पैसा चाहिए, तो RBI ये फैसिलिटी देता है उनको, ये तरीका उसके RBI के पास है कि उनको ये मदद करता है। अगर एक दिन के लिए पैसा चाहिए, वन डे, एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो उसे MSF पर पैसा उधार दे दिया जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये रेट ज्यादा होता है कि 30 पर डे ब्याज लगता है। अगर ज्यादा दिनों के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा दिन यानी 2 से लेकर 14 दिन तक, स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रहा हूं 2 से लेकर 14 दिन, तो 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए अगर पैसा उधार चाहिए RBI से बैंकों को तो उसके लिए रेपो रेट काम करता है स्टूडेंट्स। बैंक रेट की बात करूं, बैंक रेट की अगर बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो 14 दिन से अगर ज्यादा के लिए पैसा चाहिए उनको बैंकों को तो उसके लिए बैंक रेट कंसिडर किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि जो बैंकों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें लगभग पता होनी चाहिए क्योंकि बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं। आप कोई सा भी कंपटीशन उठा, बैंकों के कंपटीशन उठाकर देखिए, SSC, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिशन की बात करते हैं उसमें आप ये देखेंगे किन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आए हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में। हम CRR की बात करते हैं और SLR की बात करते हैं स्टूडेंट्स। CRR को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं कि जितना पैसा RBI के पास जिन बैंकों ने भी जमा किया हुआ है, जो पैसा बैंक कस्टमर से जमा प्राप्त करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे का 3% भाग RBI को सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होता है। अगर कल को कोई बैंक भाग जाता है या बंद करके चला जाता है, कस्टमर का पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में वो सिक्योरिटी के रूप में जो RBI के पास पैसा जमा है वो पैसा उन कस्टमर्स को उनके प्रोपोर्शनेट रेशियो में दे दिया जाएगा, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में 3% टोटल कलेक्शन का 3% जमा करवा देता है अपने पास।
उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और स्टूडेंट्स, अगर मुझे सुबह सुबह पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं सुबह सुबह बैंक में चलाता हूं, बैंक मुझसे कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर अभी तो कैश खत्म हो गया है, या फिर बैंक में पैसा नहीं है, तो ये तो बड़ी अलग बात होगी कि हमारा पैसा ही हमें नहीं मिल रहा है समय पर। तो स्टूडेंट्स, बैंक ने आरबीआई के एक रूल ऐसा भी बना दिया, उसके लिए एसएलआर की पोजीशन खड़ी कर दी है कि आपको टोटल कैश का 3% को छोड़कर जो बचा हुआ है उस अमाउंट का भी एक सर्टेन परसेंटेज आपको रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के रूप में, कि जब कस्टमर आए तो उसको 18% को सेविंग में जो रखा हुआ है उसमें से उसका पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि सारा पैसा एक साथ तो नहीं निकालता कोई भी कस्टमर, और अगर निकालता भी तो दूसरे कस्टमर्स का पैसा रिजर्व में रहता है। तो वो एसएलआर स्ट्रक्चरली लिक्विड रेशियो हमेशा लिक्विडिटी बॉय बैंक के अंदर रहती है, वो होती है 18.5%। मैंने आपको ये बताया कि स्टूडेंट्स आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, बैंक रेट्स कैसे डिसाइड हुई, रेपो रेट कैसे आपने कंसीडर किया, रिवर्स रेपो आपने कैसे कंसीडर किया, आपने बैंक रेट को देखा, सीएलआर को देखा, एसएलआर को देखा, बेस रेट देखा, प्राइमरी लेंडिंग रेट देखा, ये सारे रेट्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। इसके आगे भी मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि करेंसी छापने के लिए रिजर्व बैंक कितनी सिक्योरिटी जमा करता है, रिजर्व बैंक के पास कितनी सिक्योरिटी होती है वर्ल्ड बैंक के पास जमा करने। और वर्ल्ड बैंक कौन है भाई, देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, और आरबीआई से भी बड़ा बैंक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अभी इससे करेंसी छापने के लिए वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, आरबीआई को भी रिजर्व बैंक को भी वर्ल्ड बैंक के पास एक सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। अगर मान लो स्टूडेंट्स 200 करोड़ के नोट छापने हैं, 200 करोड़ बड़ी अमाउंट है, तो आरबीआई को वर्ल्ड बैंक के पास यानी इस वाले बैंक के पास 115 करोड़ का गोल्ड, गोल्ड तो समझते ही होंगे आप स्टूडेंट्स, सोने की बात कर रहा हूं, दो तरह का सोना होता है, एक सोने वाला सोना होता है और एक सोना होता है गोल्ड, उसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर 115 करोड़ का गोल्ड और स्टूडेंट्स 85 करोड़ की सिक्योरिटीज यानी इन्वेस्टमेंट्स, ये अमाउंट 200 करोड़ की सिक्योर इसके पास जमा करानी होती है और फिर हम नोट छाप पाते हैं, यानी आरबीआई नोट छाप पाता है। अब क्या आपको स्टूडेंट से पता है कि आरबीआई के द्वारा कौन कौन से रुपए या नोट छापे जाते हैं और भारत सरकार कौन कौन से नोट छापती है, क्या आपको पता है? आपने अक्सर देखा होगा हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन एक के सिक्के पर, दो के सिक्के पर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जितने भी सिक्के हैं उन पर लिखा रहता है भारत सरकार। तो सिक्के जो है, कॉइंस जो है, वो एक का नोट, दो का नोट है ना, उन सभी पर क्या लिखा रहता है? भारत सरकार। जिन नोटों पर भारत सरकार लिखा रहता है स्टूडेंट्स, वो भारत सरकार छापती है, और जहां आरबीआई लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। 200 करोड़ के नोट छापने के लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट वर्ल्ड बैंक में जमा करनी पड़ती है आरबीआई। बेसिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय स्टूडेंट्स भारत में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, और स्टूडेंट्स एमएसएफ, इन सबको निर्धारित करने का काम आरबीआई का होता है। आरबीआई ने सब चीजों को रिकॉल करती है और इनको एडजस्ट करती है। अगर ये रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं
विल बी इंक्रीज। अगर ये रेट बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स तो मार्केट में इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी। अगर ये रेट आरबीआई कम कर देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब पैसे की मात्रा बढ़ जाती है तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन है कि पैसे की मात्रा कम ज्यादा होना इन्फ्लेशन, इस कंडीशन में ये रेट डिसाइड करती है आरबीआई। तो जैसे समय समय पर आरबीआई चार बार ये रेट चेंज करती है साल में, फोर टाइम्स, कम से कम चार बार, और जरूरत पड़ने पे पांच बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चार बार उसे करने ही होते हैं। हर तीन महीने में रेट चेंज होते हैं, इनमें कटौती होती है या बढ़ोतरी होती है वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के, अगर बढ़ोतरी होती है तो समय के अनुसार या तो वो बढ़ते हैं या घटते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, बाजार में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से आरबीआई से एडजस्ट करती है। यानी करेंसी मार्केट का होल्डर, दो तरह की मार्केट होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताता हूं, आपने सुना होगा एक करेंसी मार्केट होती है जिसे मॉनेटरी मार्केट्स के नाम से जाना जाता है, मॉनेटरी, और दूसरा जो पोजिशन होता है आप शेयर मार्केट बोलते हैं उसको अक्सर, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मॉनेटरी मार्केट, तो मॉनेटरी मार्केट का एक इकलौता कंसीडर करने वाला, ऑथराइजेशन रखने वाला सिर्फ भारत में आरबीआई। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी चीजें आरबीआई के बारे में जानी पढ़ी, और अगर आपको लगता है कि मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगती है, कि दी हुई इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर और भी कोई जानकारी आरबीआई से रिलेटेड वीडियोस में आपको रिक्वायर्ड है तो आप बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और मुझसे जान सकते हैं इसके संबंध में। मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।